आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटाकेदार पानी वाले पकौड़े की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप पानी पूरी खाना भूल जाएंगे। ये इतने स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें मेरी वीडियो देखने के। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ले रही हूँ आधा कप बेसन। तो मैंने यहाँ पे ये 1/4 कप होता है ना, उससे मेजरमेंट किया है, तो मैंने दो बार उसे डाला है। फिर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में मैं डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और इसका हमें एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसे गाढ़ा ही बैटर तैयार करना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, और इसका बिल्कुल लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो चुका है बनकर। और अब क्या करना है इसमें, कि मैं यहाँ पे सोडा इसमें नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए इसमें हमें मेहनत करना है। एक विस्कर की हेल्प से आप इसे 4 से 5 मिनट इस तरह से चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में फेंट लें। तो इससे जो हमारे पकौड़े हैं ना, वो काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, काफ़ी स्पॉन्जी बनेंगे। और अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें, उससे भी आपके पकौड़े फुले फुले ही बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ, हाथों को एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ताकि जो ये पकौड़े हैं ना, बिना सोडा के मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो देखें यहाँ पर आप इसका कलर बिल्कुल चेंज देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैटर को चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फिटकर अच्छे से तैयार हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से कटोरी में थोड़ा सा पानी ले और बैटर को गिरा करके देखें, तो देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से ही ऊपर में पानी में तैर रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छे से फिट कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपनी चटपटी सी पानी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बाउल, उसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 ग्लास के करीब पानी, और अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं पहले यहाँ पे जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं वो डाल रही हूँ, फिर मैं डालूँगी यहाँ पे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए काला नमक, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, और 2 से 3 चम्मच भर के मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ। मैंने इमली को पानी डालकर फूलने के लिए रख दिया था, और वही पल्प मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भर के डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी, और हरी चटनी का वीडियो ना मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दे रही हूँ पुदीने के पत्ते, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आए धनिया और पुदीना का। और ये चटपटा सा पानी बनकर हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स ये पानी बहुत ही चटपटा सा बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे देखिए बेसन को मैं एक बार मिक्स कर ले रही हूँ, और चलिए फटाफट से इसके पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने हाथों को पानी से थोड़ा सा भिगाया है, और इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम डालेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ ना, ये देखिए ऊपर में अच्छे से तेल में तैरने लगा है। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ डाल दे रही हूँ, और दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे अच्छे से ही पका लेना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ डाल दी है, और इस तरह से बनाकर मैं इसे तैयार कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमें पकौड़ियाँ बनानी है। और फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको ज़रा से भी यूजफुल लगे ना, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरी वीडियो देखने के लिए। हे गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। और देखिए ये पकौड़ियाँ कितनी कुरकुरी बनकर तैयार है। और इसी तरह से मैं दूसरा बेज भी अपना बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। और ये पकौड़ियाँ ना आपको पानी पूरी का टेस्ट देगा ही देगा, आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। और आप इस फेस्टिवल इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे ना पहले ही बनाकर रख दें, और पूरे फेस्टिवल आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप फ्रिज में इसे भरकर स्टोर भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर पानी में डाल दे रही हूँ पकौड़ियाँ, और इसी तरह से मैं दूसरा बेज भी निकाल ली हूँ, और उसे भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। चलिए चम्मच से इसे हम थोड़ा सा इस तरह से डुबा देते हैं, 10 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि जो ये पुलकियाँ हैं ना, ये हमारी अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले, तभी ये खाने में अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो चलिए इस तरह से मैं इसे चलाते हुए अच्छे से 10 मिनट के लिए रख चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए पहले फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ कटोरी में, और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटाकेदार
पानी वाले पकौड़ियाँ, पानी वाले पुलकियाँ ये हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। आप इस होली इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे ना फ्रिज में भर के स्टोर कर दें और जब गेस्ट आए तब उन्हें फटाफट ठंडे ठंडा सर्व करें। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से पानी में जाने के बाद सॉफ्ट हो चुका है और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है। और ये हमारी पानी वाली पकौड़ियाँ चट्टाकेदार चटपटा सब बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।